अस्सलामुअलैकुम। मैं एक ऐसा नुस्खा आपको बताऊं कि आप जवान हो जाएं, नई जिंदगी मिले, बाल सफ़ेद काले हो जाएं, बाल गिरना बंद हो जाएं, हाई कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाए। 100 माल का नुस्खा आपको बताऊं, शादी लेकिन एक ही करनी है, दूसरी नहीं। ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि मेरे एक मरीज ने मेरी ये अखबार का एक बैरोचीव था, वो देता रहा शादियों का। आखिर मुझे पता चला 5 शादियाँ घर बैठे हैं, मैंने 2 ही बंद कर दी उसकी। शादी एक काफ़ी है। आप एक नुस्खा, ये मुझे नुस्खा ईरान से मिला है। मैं ईरान में एक जगह गया, वहाँ एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा है, बिल्कुल उसके गोश्त है नहीं, हड्डियाँ ही हैं, सुबह से शाम तक गेंती मार रहा है, थकता ही नहीं है। पाकिस्तानी नौजवान दीवार के साथ बैठे हुए, मैंने पूछा यार तू क्यों बैठे, कहता यार कमर में दर्द हो गया है, थोड़ा सा काम किया। बूढ़े से पूछा तेरी उम्र क्या है, कहने लगा मेरी उम्र 130 साल है। भाई तेरी वो बीवी तो कोई नहीं, कहने लगा मेरी 5 बीवी है और 5 बीवियों को 5 घर हैं, 500 को खर्चा देता हूँ, डेली ढाबे का मेहमान बनता हूँ, खर्चा देता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, गोश्त लटका हुआ है, हड्डियाँ ही हैं, ऐसे बाल स्याह कर रहे। आखिर पूछा यार तू खाता क्या है, कहने का मेरे प्याज का कर, बड़ी ज़बरदस्त बात है, गौर से सुने। भाई तू प्याज कैसे खाता है, कहते हैं मैं 3 किलो पानी डालता हूँ, 1 किलो प्याज कूट 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 कर रहता हूँ, जब पक पक के किलो रह जाते हैं वो पीता रहता हूँ, उसे रोटी खाता हूँ। अब इसका असली फार्मूला जो है वो मैं आपको बताता हूँ। लिखें 1 किलो प्याज, 1 शतांग कलवंजी, 1 शतांग सना मक्की, 1 कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खत्म कर दे। अगर बीपी हाई है तो खून की 2 गंडी छीनना नहीं है, उसके बालों में भी अल्लाह ने फ़ायदा पहुँचाया, उसके बालों में भी शिफा है, उसका जो ऊपर खाल है। तो अगर बीपी हाई है तो 2 गंडी डाल दें, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है 1 गंडी, बीपी नहीं है तो मत डालें। काली मिर्च 1 छितांक, मिर्च भी पीस लें, कलौंजी भी पीस लें, सनामकी वैसे ही पत्ते होते हैं, 1 किलो प्याज, 4 किलो पानी। अब क्या करेंगे, प्याज पहले काटें, ग्राइंडर में 1/2 किलो पानी डालें, प्याज करें वो पानी डालते जाएं, फिर बार बार प्याज पानी में ग्राइंड करते हैं डालते जाएं। अब कलौंजी भी 1 चम्मच डाल दें, सना मक्की भी 1 बुच्ची 1 चम्मच डाल दें। अब उसके बाद काली मिर्च भी छोटी चम्मच डाल दें, सना मक्की भी डाल दें, ये काफ़ी है। अगर बीपी हाई है तो तुम डालें वरना मत डालें। इस पकाएं, जिसको ये पक के 4 किलो पकेंगे, पक के 1.5 किलो रह जाए, इसको उतार। वैसे ही बीस में वो मारते रहे, क्या बोलते हैं कोटना कुछ अभी मारते रहता है कि वो फिल्टर है। आप इसको कपड़े छान करें और 1 चम्मच 2 शहद भी डाल दें या शक्कर डाल दें ताकि जायका बन जाए। लहसुन भी 2-4 डाल दें, वो भी अच्छी चीज़ है, आपको याद रहे। लिख लें, फिर पूछ सकते हैं फोन करके। अब जब पानी 1.25 किलो 1.5 किलो 1.25 किलो रह जाए, ये पानी सुबह उसे पीना शुरू कर दें, इसी नाश्ता करें। सालन पानी का खाएं, फ्रूट जूस दुनिया का खाएं, सब्जियां कच्ची खाएं, जापानी खाते हैं उसका तरीका मैं बताता हूँ। तमाम सब्जियां, खीरे, मूलियां, गाजर, बंद गोभी, जो जितना जो कुछ मिलता है छोटा छोटा काटें, उसमें दही डालें, काली मिर्च डालें, वो खाते रहें खाते रहें। 1 महीने में अगर जवान ना हो जाए तो मैं काम छोड़ दूँ, उसमें भी आ जाएगा, आंखों के हल्के खत्म, चेहरा लाल, बाल काले, और कहेंगे नई जिंदगी मिल गई है, दर्द खत्म, नई जवानी, कोलेस्ट्रॉल खत्म। 100 मर उस कोलेस्ट्रॉल से खत्म होती है, आपका मोटापा भी खत्म हो जाएगा। नुस्खा क्या है, सिर्फ प्याज। फिर अगर पूछना होगा फिर मुझे फ़ोन करके पूछ लें, मैं आपको तफसील फिर बता दूँगा, बार बार बताऊँगा यार आप ठीक हो जाए, मुझे मेरा फायदा है।